हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ इयररिंग्स कलेक्शन का, जो कि बहुत ही स्मॉल सी है और बहुत ही स्मॉल प्राइस की भी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पहन कर दिखाऊंगी बारी बारी से कैसे पहना जाता है और क्या क्वालिटी है इस कान की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास जो इयररिंग्स है वो इस टाइप्स की है, देखिए। और इसमें जो गोल्डन कलर का है और इसमें जो मोती है वो रेड कलर की है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मोती जो है इसका रेड कलर का है। और ये मैंने ली है एक जोड़ी 5 रुपये में, और यहाँ मैं 3 जोड़े ली हूँ तो 15 रुपये मैंने इसके पैसे दिए थे। और ये इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स, मेरा जो कान का है कान है वो पक जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि जब मैं पेच वाली पहनती हूँ तो मेरा कान पक जाता है सोने का पहनने से। तो मैं नहीं पहनती हूँ, बिना कान का पहने ही रहती हूँ घर में, और कहीं जाती हूँ तभी भर मैं इयररिंग्स पहनती हूँ। तो मैं ऐसा चाह रही थी जो मैं हमेशा घर में भी पहन सकूँ, क्योंकि बिना इयररिंग्स के चेहरा बहुत खाली खाली लगता है, अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये वाली इयररिंग्स खरीदी, 3 जोड़ी खरीद ली मैंने, एक जोड़ी में एक्स्ट्रा खरीद के रख ली। तो यहाँ मैं पहन कर आपको अभी दिखाऊँगी। तो मेरा जो कान है वो दो जगह है, जैसे नीचे भी है और एक ऊपर भी है। तो मैं दो दो जगह कान छिदवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ 3 जोड़ी इयररिंग्स खरीदी थी। और यहाँ पे मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ। इसको तो मैं बहुत आसानी से पहन ली, लेकिन ऊपर में पहनने में थोड़ा मुझे मुश्किल होता है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा बोरो प्लस की सहायता से ऊपर में पहनूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर जैसा कि कान, जैसे ये वाली जो कान है वो मैं जब मैं 12th में थी तब अपने कान को छिदवाई थी, मतलब बहुत बड़ी होने पे 12th में जब मैं गई थी तब मैं कान ऊपर वाला छिदवाई थी। तो उस टाइम मैं कुछ भी पहन लेती थी, लेकिन अभी बीच बीच में कभी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि पेच वाली जब भी अब मैं पहन रही हूँ तो थोड़ा मुझे दिक्कत होता है, मुझे पस आने लगते हैं, पक जाता है कान। तो मैं ऐसा चाह रही थी जो मेरा कान ना पके, तो इसलिए गोल वाली मैंने इयररिंग्स ली। तो ऊपर भी मैं पहनने वाली हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ बोरो प्लस लगा ले रही हूँ क्योंकि मेरा अंदर जा ही नहीं रहा था इयररिंग्स। तो मैं इसको पहन रही हूँ, देखिए। तो अब ये आसानी से मेरे कान में चला जाता है। थोड़ी सी मुझे दर्द भी होती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ऊपर पहन रही थी, लगभग मुझे लगता है 4-5 महीने हो गए थे मेरा ऊपर पहने हुए। और जब कुछ ना पहनूँ तो कान तो बंद हो ही जाते हैं, कान का जो छेदा है। तो ऊपर में पहन ली थी और अब मैं इधर पहन ली, तो अब मैं आपको दूसरी तरफ पहन कर दिखाऊँगी। इसमें क्रिस्टल लगे हुए रेड रेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए पहनने के बाद कैसा लुक मिला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसको मैं अब भी बता रही हूँ कि 2 महीने से पहन रही हूँ। इसको मैं ख़रीदी थी जीतिया जो पूजा होता है उसके पहले ख़रीदी थी, और तुरंत पहन भी ली थी अगले दिन। जिस दिन खरीदी थी उसके अगले दिन मैं पहन भी ली थी और पहन के वीडियो भी बना ली थी। तो यहाँ नीचे मैं फिर से पहन रही हूँ। तो ये दोनों इयररिंग्स दोनों कान में पहनते हुए थोड़ी सी एक वीडियो मेरी मिस हो चुकी है, और नीचे वाली मैंने पहन रखी है, और इसी तरह मैं ऊपर वाली भी पहन लूँगी। तो इयररिंग्स पहनना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे कान पक जाते हैं पेच वाले से, इसलिए मैं उतना नहीं पहनती हूँ। लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और 2 महीने से मैं ये वाली इयररिंग्स पहन रही हूँ। इसका थोड़ा थोड़ा कलर गया है, बट ये अभी भी मैं पहन रही हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत हल्का है। तो पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो? यही वाली इयररिंग्स मैंने नोज़ में वेयर करके दिखाई थी बुलाक के तौर पे, वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलूँगी अगली वीडियो में।